दोस्तों, अक्सर आपने टीवी में देखा होगा कि न्यूज चैनल के एंकर कैसे बिना रुके लगातार बोलते चले जाते हैं, और इसी तरह कितने पॉलिटिशियंस भी जब भाषण देना शुरू करते हैं तो कितनी कितनी देर तक बिना कुछ पढ़े और बिना किसी गलती के साथ बोलते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया नहीं कि आखिर न्यूज एंकर या पॉलिटिशियंस इतना सब बिना कुछ देखे कैसे बोल लेते हैं? आपको शायद ये लगता होगा कि वो ये सब मेमोराइज यानी याद करके इतना सब बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोई भी स्पीच इतनी छोटी नहीं होती है जिसे इतनी आसानी से याद किया जा सके और फिर उसे बिना किसी गलती के लोगों के सामने बोला जा सके। इस सब के लिए वो एक खास तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, और आज मैं आपको उसी तकनीक के बारे में बताऊंगा दोस्तों, जिसकी मदद से देश ही नहीं विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियां कहीं पर भी बिना रुके भाषण देते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इस तकनीक को टेलीप्रॉम्प्टर कहा जाता है दोस्तों। ये एक ऐसा उपकरण होता है जो किसी स्पीकर को दर्शकों के साथ आई कॉन्टेक्ट बनाए रखते हुए स्क्रिप्ट पढ़ने में मदद करता है। इसकी मदद से नेता और न्यूज एंकर बिना नीचे देखे भाषण दे सकते हैं, और जब वह भाषण देते हैं तो ऐसा लगता है कि वह भाषण याद करके आए हैं। टेलीप्रॉम्प्टर में आमतौर पर दो शीशे होते हैं जो सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये शीशे एक छोटे और पतले स्टैंड पर लगे होते हैं। जब कोई भाषण देता है तो इसके लिए टेक्स्ट को मॉनिटर की मदद से शीशे पर दिखाया जाता है। जो टेक्स्ट सिर्फ स्पीकर यानी भाषण देने वाले को दिखाई दे रहा होता है, जिसे स्पीकर आसानी से पढ़कर अपना भाषण देता है, जबकि दूसरी तरफ दर्शकों को ये शीशा बिल्कुल खाली नजर आता है और लोगों को ऐसा लगता है कि स्पीकर उनकी तरफ देख के भाषण दे रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से नेता इतने बड़े बड़े भाषण लोगों के सामने देखते हुए इतनी आसानी से पढ़ पाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।